सो फ्रेंड्स, अब आप जानते हैं कि ग्रीन स्क्रीन कैसे रिमूव करें। तो अब हम सीखते हैं इसमें प्रॉपरली बैकग्राउंड कैसे ऐड करें। तो एक बार यह वीडियो क्लिप देख लीजिए। उसके बाद यह दूसरी, या तो यदि आप यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह नहीं रखना चाहते तो ऐसा कलर मैट भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, कलर मैट यूज़ करके आप टाइटल या तो कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह सब यहाँ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, जिससे व्यूवर्स को समझने में आसानी रहे तो आप यहाँ तो सब कुछ ऐड कर सकते हैं। सो अब हम इसमें बैकग्राउंड ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका वीडियो है, जो वीडियो ट्रैक 1 में होगा, तो उसे आप वीडियो ट्रैक 2 में या तो 3 में ले लीजिए, और बैकग्राउंड जो हमें ऐड करना है वो इसके नीचे करना है। तो अब हम इसे वीडियो ट्रैक 2 में ले लेते हैं। बाद में हम फोटो फोल्डर में से यहाँ एक फ़ोटो रखते हैं, ऑफिस यहाँ पर। और ऑफिस को थोड़ा ब्लर करते हैं, इफेक्ट कंट्रोल पैनल में से ब्लर, गाशियन ब्लर को सिलेक्ट करके ऑफिस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे, और ब्लरीनेस करें करीबन 10। इतना ही हमें चाहिए। अब यहाँ देखिए, इसके फेस पर ज़्यादा सेचुराइजेशन लग रहा है, तो इसे हम अल्ट्रा की इफेक्ट में कलर करेक्शन में जो सेचुरेशन है उसे हम थोड़ा डीसेचुरेट करते हैं, करीबन समझो 50 रखते हैं। तो कुछ ज़्यादा कम लग रहा है, थोड़ा 60। तो ऐसे यह बैकग्राउंड ऐड होगा। और दूसरी बात, यदि इस वुमेन को आप कहीं भी रखना चाहते हैं किसी भी कॉर्नर में, तो यहाँ से रख सकते हैं पोजीशन से, आप इस साइड या तो इस साइड, जहाँ भी आप रखना चाहे उसे सेट कर सकते हैं। यदि कोई प्रोडक्ट मार्केटिंग वगैरह करना चाहते हो तो भी ऐसी वीडियो आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, तो यह थी पहली वीडियो। अब जो हमारी दूसरी वीडियो है क्लास की, उसमें हम बैकग्राउंड ऐड करते हैं। तो उसके लिए यहाँ से लाइब्रेरी इमेज हम ड्रैग करके इसके नीचे रखते हैं ट्रैक 1 में, और इसे भी मैंने थोड़ा ब्लर किया है। यदि आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहने दो तो भी चलेगा, पर थोड़ा रियल लुक आए ऐसा आप करो। और लाइब्रेरी की जगह यदि कलर मैट रखना चाहते हो तो यहाँ से न्यू आइटम बटन पर क्लिक करके कलर मैट क्रिएट करें, और जो भी कलर आप बैकग्राउंड में रखना चाहते हो वो यहाँ से सिलेक्ट करके उसे ओके कर दें, और बाद में कलर मैट ग्रे इसे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे और इसके पीछे रख दे। तो अभी ऐसे आप वर्क कर पाओगे, यहाँ टाइटल वगैरह सब ऐड कर पाओगे। तो ये था बैकग्राउंड ऐड करना, इमेज, स्टील इमेज। अब हम एक दूसरी क्लिप देखते हैं। देखिए, इस वीडियो को देखिए। तो इसमें जो ओरिजिनल वीडियो है डॉग का, वो यह है ग्रीन स्क्रीन वाला। तो इसमें हम पहले अल्ट्रा की ऐड करते हैं, इफेक्ट्स पैनल अल्ट्रा, और यहाँ से की कलर लेते हैं ग्रीन, तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो ही जाएगा। यहाँ से अग्रेसिव कर देते हैं तो अभी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इसमें हम बैकग्राउंड ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ प्रोजेक्ट पैनल में से एक पार्क का वीडियो है, पार्क MP4, इसे हम यहाँ ड्रैग करते हैं। तो एक बात देखिए आप, ये जो अभी थोड़ा जूम लग रहा है, मतलब ये वीडियो की साइज़ है वो हमारे सीक्वेंस से मैच नहीं हो रही है, क्योंकि वीडियो की साइज़ है 1080 पिक्सल फुल HD है, और ये ग्रीन स्क्रीन डॉग है जिससे हमारी सीक्वेंस बनी है उसकी साइज़ है 720 पिक्सल। यदि आपकी सीक्वेंस के साथ कोई वीडियो की साइज़ मैच नहीं हो रही है, उससे हाई डेफिनेशन है या तो लोअर रिजोल्यूशन का है, तो उस क्लिप पर क्लिक करके आप स्केल टू फ्रेम साइज करें तो ऑटोमेटिकली वो आपकी फ्रेम साइज़ में सेट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से इस डॉग को एडजस्ट करते हैं। तो अभी यह बैकग्राउंड के लिए कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो इसे हम यहाँ डॉग पर डबल क्लिक करके प्रोग्राम मॉनिटर में से इसे स्मॉल कर सकते हैं, और जो भी कॉर्नर में जिस जगह आप उसे बिठाना चाहे वहाँ पर आप बिठा सकते हो। उसके बाद रियल फीलिंग के लिए हम इसमें थोड़ा कलर करेक्शन करेंगे। तो यहाँ कलर करेक्शन में ह्यू थोड़ा चेंज करते हैं, ओके। तो
थोड़ा सा ग्रीन इफेक्ट आए ऐसा कर रहे हैं, और सेचुरेशन को थोड़ा डिक्रीज करते हैं और ल्यूमिनेंस भी थोड़ा डिक्रीज करते हैं। देखिए अभी भी जो ये थोड़ा बड़ा लग रहा है तो इसे हम और भी छोटा कर सकते हैं ना, और यहाँ बिठाते हैं। ओके अब एक बार प्ले करके देखें। इस कलर करेक्शन को यदि आप चाहे तो लुमेट्री कलर पैनल में से भी कलर करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ सिंपली सेचुरेशन ह्यू और ल्यूमिनेंस का यूज़ करके उसे थोड़ा कलर करेक्ट किया। और यदि इस डॉग में आप शेडो इफेक्ट ऐड करना चाहे तो भी कर सकते हैं। इफेक्ट्स में जाके सर्च करें शेडो, और यहाँ से ड्रॉप शेडो करें, ड्रैग एंड ड्रॉप, तो आप देखिए यहाँ पर शेडो इफेक्ट ऐड होगी। यदि हम इसमें डिरेक्शन और डिस्टेंस थोड़ा इंक्रीज करते हैं तो आप देख पाओगे पीछे थोड़ा शेडो दिख रहा है। उसकी डिरेक्शन चेंज करें, उसकी ओपासिटी आप इंक्रीज या तो डिक्रीज कर सकते हैं, और सॉफ्टनेस भी आप इंक्रीज या तो डिक्रीज कर सकते हैं। यदि आप हार्ड शेडो रखना चाहते हैं तो हार्ड रख सकते हैं या तो थोड़ा सॉफ्ट कर सकते हैं। अभी से हम प्ले करके देखें तो जैसे ही डॉग मूव होगा उसके साथ शेडो भी मूव होगा। देखिए सो फ्रेंड्स, ऐसे आप साइज, सब्जेक्ट और कलर करेक्शन, शेडो वगैरह बैकग्राउंड से मैच करके रियल लुकिंग बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। सो यदि कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमें शेयर करें। अदरवाइज सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।